एलसी टीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्टेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा। तशरीफ लाइए शहर की सबसे कदीम सबसे भरोसेमंद दुकान मीनार बेंगल स्टोर्स अली कॉलोनी चंद्रबंडा रोड LBS नगर रायचूर। नाज़रीन आदाबैन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि स्कूल के तलबा कैनाल पर जाकर पानी पी रहे हैं, इससे तलबा की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए मौज़े के अवाम की जानिब से गुरुस्वामी नामी शख्स ने ये कहा कि इसमें स्कूल के असातिज़ा का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा स्कूल के असातिज़ा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। इन्होंने कहा कि तलबा को पीने के पानी के लिए और इस्तेमाल के लिए स्कूल के शहर में 2 बोरवेल नसब की गई हैं, लेकिन 26 जून को चूँकि बरखीरो नहीं थी जिसकी वजह से बोरवेल का पानी नहीं आ सका। इस वजह से कुछ तलबा कैनाल के पास गए थे, कैनाल में ज़्यादा मकदार में पानी नहीं था, उसी वक्त किसी ने इसकी वीडियो बनाई और उसको वायरल कर दिया, लेकिन इसमें असातिज़ा का कोई कसूर नहीं है। पहले ही मौजा गांदाल में एक ही स्कूल है और इस स्कूल में सिर्फ 10 असातिज़ा हैं और तलबा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर असातिज़ा ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो बच्चों की तालीम ख़राब हो सकती है, लिहाजा असातिज़ा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस सारे मामले में ग्राम पंचायत ही ज़िम्मेदार है। चूँकि स्कूल से सिर्फ 15 मीटर फासले पर कैनाल वाक़ है और कई मरतबा मौजे की आवाम ने ग्राम पंचायत से दरख्वास्त की कि वहाँ पर फेंसिंग लगाई जाए, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत की जानिब से फेंसिंग नहीं लगाई गई। इस वाक़े के बाद ग्राम पंचायत के PDO ने तय खून दिया है कि वो जल्दी फेंसिंग लगाएंगे। मैडम इलाके हास्पिटल शाले अवेरू ना संरक्षण नमेल समाज ने संरक्षण अदर प्लीज अंतो सल रिक्वेस्ट PDO अद्वन यार गमन हेल सी माध्यम बंद मेले ओडाड़क अदर नानी नान ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂಬತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರೋ 5 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 5 ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು, ಅವ್ರು 3 ದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಕಿದ 5 ಜನ ಅವರು ಗೇಟ್ ಮುಂದಿನ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ದೊಡ್ಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ವಿಷಾದನೀಯ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು PDO ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.